861 साल पुराना मंदिर, 39 साल से बंद रत्न भंडार, 812 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना, आखिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बंद खजाना रहस्य क्यों बन गया है? जगन्नाथ मंदिर के खजाने से जुड़ा विवाद ओडिशा में राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने बीजेडी की सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। 39 साल से बंद रत्न भंडार को सरकार आखिर क्यों नहीं खोल रही है? रत्न भंडार के चैम्बर की चाबी कहाँ है? अगर चाबी नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? सरकार मंदिर के खजाने का ऑडिट क्यों नहीं करा रही है? नवंबर 2018 में आई न्यायिक पैनल की रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं की गई? जगन्नाथ मंदिर में 1.5 लाख ग्राम सोना, 2.5 लाख ग्राम चांदी, 12,813 ग्राम सोने के गहने और उनमें जड़े कीमती पत्थर, 22,153 ग्राम चांदी के गहने और उनमें जड़े कीमती पत्थर हैं। इस खजाने से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स जान लीजिए। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने 1150 से 1161 ईस्वी के बीच करवाया था। मंदिर के खजाने में मौजूद बहुत सारी संपत्ति दान में मिली हुई है। अनंग भीमा देव ने मंदिर को 1.25 लाख तोले से ज्यादा सोना दान में दिया था। 1465 ईस्वी में गजपति साम्राज्य के राजा कपिलेंद्र देव ने भी मंदिर को काफी सोना दान किया था। मंदिर के तहखाने में 2 कक्ष हैं, बाहरी और भीतरी। बाहरी कक्ष में देवताओं के गहने हैं और इसकी चाबी मंदिर प्रशासन के पास है। भीतरी कक्ष में सोना रखने के लिए कुल 7 चैम्बर्स बने हुए हैं। इनकी चाबियां गायब हैं। चाबियां गायब होने की जानकारी 4 अप्रैल 2018 को श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति की एक बैठक में सामने आई। जून 2018 में राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। 13 जून 2018 को पुरी के कलेक्टर ने बताया कि खजाने की डुप्लीकेट चाबी रिकॉर्ड रूम से मिल गई है, इसकी जाँच हो रही है। 29 नवंबर 2018 को न्यायिक आयोग ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी, लेकिन सरकार ने उसे सार्वजनिक नहीं किया। मौजूदा विवाद के बीच उड़ीसा सरकार का कहना है कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के भीतरी कक्ष की चाबी गुम होने की वजह से खजाने का ऑडिट नहीं हो पा रहा है। 861 साल पुराने मंदिर का वैभव ऐसा था कि इसे लूटने के लिए कई बार हमले हुए। मौजूदा दौर में रत्न भंडार के अलावा मंदिर के नाम पर 7 राज्यों में 60,000 एकड़ जमीन भी है।